नमस्कार, मैं प्रेक्षा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सड़क की समस्या से परेशान ग्रामीणों के हक में युवा एकता परिषद ने रीवा कलेक्टर का किया घेराव। अविलंब सड़क निर्माण कराने सौंपा मांग पत्र। रीवा आगमन पर मुख्यमंत्री के समक्ष भी रखेंगे अपनी मांग। मांगे पूरी ना होने पर दी अनशन की चेतावनी। सिर में काला पकड़ा बांध, दर्ज कराया अपना विरोध। रीवा जिले के ग्रामीण इलाकों में सड़क की समस्याएं चरम सीमा पर हैं, लेकिन प्रशासनिक अमले की निष्क्रियता की वजह से ग्रामीणों को ना तो रोड मिल पा रही है, ना ही मांगों को लेकर किसी तरह की कार्यवाही की जा रही है। मामला जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान के ग्राम पंचायत उकटा कंचनपुर का है, जहां सड़क ना होने से परेशान ग्रामवासी अपनी मांग को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों द्वारा रोड बनाने की मांग को लेकर आरटीआई एक्टिविस्ट शिवानंद द्विवेदी एवं युवा एकता परिषद के संरक्षक पंडित सचिन शर्मा सूर्या के साथ एकता परिषद के बैनर तले कलेक्टर कार्यालय रीवा का घेराव कर पुनः एक बार सड़क निर्माण कराने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ ना कराए जाने से नाराज ग्रामीणों ने परिषद के युवाओं के साथ सिर में काला कपड़ा बांध कर अपना विरोध दर्ज कराते हुए कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया एवं अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर महोदय के नाम नायाब तहसीलदार को अपना मांग पत्र सौंपा। साथ ही चेतावनी भी दी, यदि ग्रामीणों की भावनाओं का ख्याल रखते हुए अविलंब सड़क निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं कराया गया तो सत्याग्रह का रास्ता अपनाते हुए अनशन शुरू किया जाएगा। रीवा से अमन शुक्ला की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। सड़क के निर्माण के लिए हम सब ग्रामवासी आज और युवा एकता परिषद के बैनर तले आज एकत्रित हुए हैं। क्या चाहते हैं आप? जल्द से जल्द सड़क निर्माण कार्य प्रारंभ हो एवं आम जन को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सड़क की वजह से, वो दिक्कतें ना हो, यही मांग करने हम सब यहाँ एकत्रित हुए। सूर्य प्रकाश द्विवेदी। आज आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय में घेराव कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, क्या मांगे हैं? बेसिकली ये रायपुर करचुलियान का मामला है, जहाँ पर ये सड़क निर्माण को लेकर के हम लोगों ने इसको मुद्दा उठाया था। ये कंचनपुर पैपखरा गांव है और वहाँ पर स्थित बहुत दयनीय है, न केवल कंचनपुर पैपखरा बल्कि हम तो कहते हैं पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, लेकिन ये विशेष मांग जो है कि यहाँ की सड़क निर्माण ये करवाई जाए। ग्राम पंचायत की सड़क है और सड़क को पंचायत विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। इसके विषय में पंचायत से लेकर के तहसीलदार, संबंधित CEO, जनपद पंचायत SDM सभी को सूचित किया जा चुका है, लेकिन जब ये ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इसको लेकर के एक सूचना दी गई थी 3 अक्टूबर को यहाँ कलेक्टर महोदय को, और इसकी मांग की गई थी कि ये सड़क बनवाएं, नहीं तो हम लोग यहाँ पर घेराव करेंगे। तो आज उसी तारतम्य में हम यहाँ पर आए हुए हैं और सड़क निर्माण को लेकर के हमारी मांग है ये, क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि ये सड़क नहीं है गाँव में तो विकास कैसे होगा। कब से सड़क नहीं बनी जी? सड़क कब से नहीं बनी? सड़क तो हमें लगता है कि जब से स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक सड़क नहीं बनी हुई है। सड़क की उसकी स्थिति ये है कि आप घुसिए तो जिसे कहते हैं जहाँ घबर आपका कीचड़ में आप सन जाएं एक तरह से। तो गांव के जो लोग हैं, जैसे कोई महिला यदि डिलीवरी का केस है, कोई बच्चों को स्कूल जाना है, यदि कोई बुजुर्ग को प्रॉब्लम हो गई उसको हॉस्पिटल ले जाना है तो खाट में ले जाना पड़ता है। अब स्वतंत्रता प्राप्ति से आज तक यदि मानवाधिकार का संरक्षण नहीं किया जा सका है और सीधे सीधे मानवाधिकार अधिनियम 1993 का राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन भी है ये, क्योंकि मूलभूत आप जानते हैं कि आवश्यकताएं हैं, सड़क है, बिजली है, पानी है, स्वास्थ्य शिक्षा है। यदि हमारी सरकारें हमें ग्रामीणों को ये उपलब्ध नहीं करवा सकती हैं तो फिर ये सरकारें किस काम की हैं, हम यही जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। क्या कलेक्टर के लिए ये कोई बड़ी बात है कि एक सड़क का निर्माण वो नहीं करवा सकते हैं? उनको हम कहते हैं कि वो CEO को बोल दें, CEO जाकर के उस सड़क को चलने लायक बनवा दें, फिर इसके बाद जो भी प्रोसेस हो 1-1.5 साल के अंदर उसको हम लोग प्रयास ये भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री सड़क से जुड़वा दिया जाए उस सड़क को। निश्चित तौर पर इसका जो दवे हैं यहाँ के GM हैं उनको इसका वो भेजा जा चुका है, उन्होंने कहा है कि इसका हम जल्दी सर्वे करवा करके इसका एस्टीमेट बनवाएंगे। अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो जल्दी बनवाएंगे, लेकिन फिलहाल इसको ग्रामीण स्तर पर जो सड़क है उसको चलने लायक बनवा दें। वो मिट्टी मोरम का जो यथाउचित कार्य है वो करवा दें। लगभग 3 किलोमीटर की ये सड़क है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवानंद द्विवेदी है, सोशल एक्टिविस्ट।